2 मिनट के अंदर दो ऐसी खबरें जो कि सुन के आप रियलाइज करेंगे कि एक्चुअली में ये कितनी बड़ी खबर है क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए। सबसे बड़ी खबर है एफएटीएफ की। एफएटीएफ को आप सब जानते हैं कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली ऑर्गेनाइजेशन में माना जाता है। 39 मेंबर्स हैं, 200 कंट्रीज दुनिया में इनकी गाइडलाइंस को फॉलो करती हैं, और इनकी जो जिम्मेदारी वो ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग जो दुनिया में होती है उसको कंट्रोल करना और पूरी दुनिया को एकजुट होके इन दोनों इलीगल एक्टिविटीज के लिए लड़ाई लड़ना। एफएटीएफ की ही जिम्मेदारी है कि वो डिजिटल एसेट्स के थ्रू टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, तो पूरे दुनिया का लीगल फ्रेमवर्क पे ये काम करते हैं। अब इसमें एक अच्छी खबर क्रिप्टो के लिए ये है कि पहले जो इसकी लीडरशिप थी वो चाइना के अंदर थी, तो चाइना बाय नेचर बड़ा थोड़ा कंजर्वेटिव है और बहुत लिमिटेड अप्रोच वाला देश है, ओपन नहीं है ज्यादा न्यू टेक्नोलॉजीज के लिए। लेकिन वहीं पे अगर हम जर्मनी की बात करें तो क्रिप्टो के लिए लेके वो बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव है, बहुत ओपन सोच है। अपने ही देश जर्मनी के अंदर उन्होंने अलाउ किया है कि अब जो बैंक्स हैं वो क्रिप्टो करेंसी की सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को दे सकते हैं। इसीलिए वहाँ के 40 बैंक ने वहाँ के रेगुलेटर को ये अप्लाई भी किया है कि क्रिप्टो सर्विसेज देने के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि जब 40 बैंक इंस्टीट्यूशंस जब अप्लाई करेंगे क्रिप्टो सर्विसेज देने के लिए अपने क्लाइंट्स को, तो उनको सोल्यूशन चाहिए होंगे, सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे। इसी चीज को नजर नजर में रखते हुए कि क्योंकि दिन ब दिन क्रिप्टो सोल्यूशंस जो है वो उस पर कंपनीज काम कर रही है, जैसे पेपल का हम सुनने में आ रहा है इंटेग्रेशन का, तो इन्हीं सोल्यूशंस को देने के लिए इंडिया का टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने क्रिप्टो करेंसी सोल्यूशन पे काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक प्रोडक्ट डेवलप किया है। जितने भी इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज उनको एक सॉफ्टवेयर देगा जो क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में, क्रिप्टो करेंसी प्रोडक्ट्स में उनको हेल्प करेगा। तो ये कितनी बड़ी खबर है कि इंडिया के अंदर चुपचाप जो कॉरपोरेट्स हैं वो अब क्रिप्टो के ऊपर, क्रिप्टो प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसे असली फोमो कहते हैं, कि असली फोमो ये है जहां पे कॉरपोरेट्स को लग रहा है कि यार वो कहीं वो इस बस को मिस ना कर दें, क्रिप्टो की बस को, तो वो धीरे धीरे चुपचाप प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। है ना अच्छी खबर? अगर खबर पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक और रीट्वीट जरूर करिएगा। थैंक यू।